हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। इस समय की बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन वेस्टइंडीज के साथ होने वाले वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि शिखर धवन के रिप्लेसमेंट के तौर पर किस खिलाड़ी को टीम इंडिया में शामिल किया गया है। तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्रिकेट से जुड़ी सभी न्यूज़ सबसे पहले पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों वेस्टइंडीज इस समय टीम इंडिया के साथ सीरीज खेल रही है और इस सीरीज से ठीक पहले इंडिया में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी हुआ था और गाइस इसी टूर्नामेंट में शिखर धवन के जो घुटने थे वो छिल गए थे। दरअसल दोस्तों उनको मतलब किसी तरह से ड्राइव लगाते वक्त उनको काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी उनके घुटनों में, जिसके वजह से दोस्तों उन्हें T20 सीरीज से बाहर कर दिया गया था। वो मतलब फिट नहीं हो पाते, इसीलिए BCCI ने उन्हें वेस्टइंडीज के साथ T20 सीरीज में नहीं चुना था और उनके जगह संजू सैमसन को रिप्लेसमेंट के तौर पर T20 टीम में शामिल कर लिया था। लेकिन दोस्तों सबको उम्मीद थी कि शिखर धवन वनडे सीरीज तक फिट हो जाएंगे, लेकिन गाइस अभी अभी जो बड़ी खबर निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग शिखर धवन वनडे सीरीज से भी बाहर हो चुके हैं और उनके जगह मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों मयंक अग्रवाल का वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू हो सकता है और गाइज आपको बता दें इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच 15 दिसंबर को खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो फिलहाल इतना ही, यही थी एक छोटी सी वीडियो आपको सिर्फ यही एक अपडेट देने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।